और अब अगली खबर आपको बता रहे हैं धरमजयगढ़ से, जहां धरमजयगढ़ में इन दिनों पुलिस की सुस्ती के चलते जुआरियों और अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल देखने को मिल रही है रथ मेले में। और इस वीडियो में आप साफ देखिए, साफ तौर पर कुछ लोग जुआ खेलते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय बोलचाल की भाषा में इस जुए को खुड़खुड़िया जुआ बोला जाता है। जुए का ये इकलौता मामला नहीं है, बल्कि धरमजयगढ़ में छाल इलाके में हर कहीं खुड़खुड़िया जुए की ये फट देखी जा सकती है। चाहे बहरामार गांव हो या फिर तरेकेला या फिर सीथरा और कुड़ेकेला, हर किसी गांव में जुआरी खुड़खुड़िया जुआ खेलते हुए दिख रहे हैं। और जबकि इसको रोकने की जिम्मेदारी जिस छोन थाना पुलिस के कंधों पर सौंपी गई थी, वो लगता है कि सबसे अनजान बना हुआ है। तभी तो जुआरियों में पुलिस का कोई खौफ ही नजर नहीं आ रहा है। तो धरमजयगढ़ की ये कुछ तस्वीरें हैं, जहां पुलिस की सुस्ती से बेखौफ जुआरी नजर आ रहे हैं और खुलेआम इस तरीके से जुआ खेल रहे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि गांव गांव में खुड़खुड़िया जुआ खेलने वालों की भीड़ सी नजर आती दिखेगी आपको। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इन जुआरियों को पर लगाम कसने में पुलिस सफल हो पाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत से बताया शेख आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शेख आलम, खुलेआम पुलिस की सुस्ती का बेखौफ नजारा यहाँ पर देखा जा रहा है, जुआरी खुलेआम यहाँ जुआ खेलते नजर आते हैं। पुलिस के संज्ञान में जब ये बात आई तो किस तरीके का तर्क उनकी तरफ से नजर आया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये धरमजयगढ़ के छाल थाना अंतर्गत ये कई ऐसे तमाम गांव हैं जहां अभी रथ का माहौल चल रहा है। इस माहौल पे जुआरी जो है खास कर ये खुड़खुड़िया का जो जुआ खिलाते हैं, ये रथ में जुआ खिला रहे हैं और लोगों को जुआ खिला कर लोगों को तरह लूट रहे हैं एक प्रकार से कहना चाहिए, और समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं। जी, और वहीं जो है ये छाल थाने पुलिस से शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब तक कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां स्थिति बिगड़ती नजर आई हो इन जुआरियों की? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि ये छाल क्षेत्र के अंतर्गत तरेकेला, कुड़ेकेला, बहरामार जैसे तमाम गांव हैं जहां देखा जा रहा है कि ये खुड़खुड़िया के जुआरी जो है अब वो और चलिए आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अनिल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि थाना प्रभारी हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। अनिल जी, जैसा कि आपके संज्ञान में बात होगी, खुड़खुड़िया जुआ एक ये वो ऐसा जुआ है जो बेखौफ होकर धरमजयगढ़ के कई सारे इलाकों में खेला जा रहा है। ताजा तस्वीरें भी एक मामले की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब इतने ज्यादा तौर पर बेखौफ होकर जुआरी जुआ खेल रहे हैं खुलेआम, तो पुलिस नाकाम साबित क्यों हो रही है इसकी रोकथाम के लिए? हमें गलत होगा कि पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने जन जागरूकता भी लाई है किस प्रकार की यहाँ रथ यात्रा में गांव में प्रचलन था खुड़खुड़िया टाइप का खेलने का, तो आप लोगों के द्वारा जहाँ जहाँ भी रथ यात्रा होती है पहले से स्टाफ भेज के इसमें जन जागरण भी लाया गया है किस प्रकार की जुआ अवैध है, इसको नहीं खेला जाना है बोल के। और यहाँ दूधिया से लेकर दसवीं तक गाँव में अलग अलग दिन में रथ यात्राएं होती है और पहले ये प्रथा थी, लेकिन अब पुलिस की जागरूकता फैलाने और पुलिस की उपस्थिति में इसमें काफी लगाम हुआ है और जहाँ भी ये शिकायत आ रही है पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है और इसमें अंकुश लगाया गया है। अनिल जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आखिर इस पर अंकुश लगा पाने में पुलिस नाकाम साबित क्यों हो रही है, क्योंकि अब भी ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर प्रभाव देखा जाए खुड़खुड़िया जुए का बहुत ज्यादा देखा जाता है। जागरूकता अभियान भी आप चला रहे हैं, लेकिन आखिरी क्यों बंद नहीं हो रहा है? मैं वही कहना चाहूंगा, रथ यात्रा में एक प्रथा टाइप की है गाँव में, बहुत पहले से ये एक प्रथा के रूप में हम लोग खिलाते हैं, जुए के रूप में नहीं मानते हैं, जो कि अज्ञानता की वजह से और इंटीरियर गांव है जहां दुर्गम क्षेत्र है जहां वो लोग अपने हिसाब से ये पंचायत ग्राम पंचायत के सरपंचों के से परमिशन लेके या उनके आश्रय में ये खेल होते थे, लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा कंट्रोल किया गया है और अभी इस प्रकार की शिकायतें होने के आने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अच्छा अनिल जी, हम क्या ये जान सकते हैं कि ऐसे कितने अभियान पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसके चलते खुड़खुड़िया जो जुआ है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे कितने जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं? हमारे मैं छाल थाना का बता सकता हूँ मैडम, यहाँ जहाँ जहाँ भी रथ यात्राएं हुआ है पुलिस के द्वारा पहले ही पहुँच के वहाँ पे ये बताया गया है कि
कुड़कुड़िया अवैध हुआ है, ये यहाँ पे नहीं, इसको खिला नहीं जाना है बोल के जी। ये पहले ही सरपंच के माध्यम से जहाँ जहाँ ये ग्राफ यात्रा हमारे क्षेत्र में निकाली जाती जी। है। अच्छा, पहले की अपेक्षा कितना ग्राफ कम हो पाया है आपके अभियान चरण, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोशिश तो लगातार प्रशासन कर ही रहा है, लेकिन आपकी पहल के बाद, आपके अभियान के बाद में कितने प्रतिशत कम हुआ है आंकड़ा? पहले जो ओपन होता था ये सब लुक छिप के हो रहा है, जो आप बता रहे हैं ये ओपन नहीं हुआ है, जंगल अंदरूनी जंगल में जो लोग छुपे अभी भी कहीं कहीं चल रहा है, और ओपनली ये ऐसा कहीं प्रत्यय नहीं मिल रहा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए अनिल जी, और हमारे साथ स्वराज समता भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भाई दूसरी